नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी 7500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज आपके जो है फिजिक्स का टर्न है और इसमें आज आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और इन जो क्लास है इसको शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाएं। और तो इसमें जो है ये पीडीएफ हम आपको दिखाए थे, इसमें 100 क्वेश्चन हम आपको पहले ही करा चुके थे। अब 100 क्वेश्चन से आगे हम यहाँ पर आज करेंगे, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर 1 घंटा रुकना पड़ेगा और 1 घंटे के लगभग आपकी क्लास रहेगी ये। तो आप लोग सभी लोग तैयार हैं क्लास के लिए या नहीं, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे हम आपको, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। इसका जो पीडीएफ है वो हम आपको किन किन लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो जो लोग हमारे यहाँ शुरू से लेकर के एंड तक जुड़े रहेंगे उन लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और आप लोग कह रहे होंगे हमको कैसे पता चलेगा, तो आप लोग जब कमेंट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन इसका आंसर दे रहा है कौन नहीं, ठीक है। और जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद अगर कोई वीडियो देखेगा और इसकी पीडीएफ अगर चाहता होगा तो वो क्या करेगा, तो जो बाद में देखेंगे उनको एक काम करना है, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। 101 क्वेश्चन से लेकर के 200 क्वेश्चन तक आप लोग आंसर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा आप लोग पूरी वीडियो देखें और सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना काम करेंगे तो आपको तुरंत इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। ये सब डिग्री फारेनहाइट में है, ठीक है, डिग्री फारेनहाइट में दे रखा है। तो आप लोगों को पता होगा मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो 98 यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे हम आपके कमेंट नहीं लेते हैं, आज हमने आपको जब क्लास में भी बता दिया था। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, सोना, चांदी, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट सब आपको बता चुके हैं, यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा। सीधे अगर आपको आंसर आता होगा तो आप लोग 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, और नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे और जब हम यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका लगाएंगे तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि हमारा सही था या नहीं सही था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन है, यहाँ पे चांदी है। अगला क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा जो हमारा सुपर 20 बैच कब से शुरू हो रहा है, तो वो 1 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 जुलाई से सुपर 20 बैच हमारा शुरू हो रहा है। उसके लिए 53 लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं अभी तक, और भी अगर आप लोग भी इसके इच्छुक हैं तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको भी जोड़ लिया जाएगा। लेकिन उसमें जुड़ने की कुछ शर्तें हैं, वो सभी शर्तें आपको मालूम होंगी, उसके बाद ही आप उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपका ग्रुप से रिमूव भी कर दिया जाएगा। जो लोग हमारे साथ उस वीडियो में जुड़े थे उन लोगों को पता होगा क्या शर्तें थीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारता अधिक है। तो ऊष्माधारता इनमें से किसकी अधिक है, जल की ऊष्माधारता अधिक है, ठीक है। ऊष्माधारता के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे केवल आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे और जब हम आंसर लगाएंगे तो आप आंसर मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होते हैं, या निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरण या ये सभी। अधिक ज्वालक मतलब जो ज्वाला आप लोग समझ रहे होंगे ना, तो वो किसके द्वारा सबसे अधिक होता है, भाप के द्वारा, ठीक है, भाप के ही द्वारा। तो जैसे
आप लोग गर्म पानी से इतना ज़्यादा नहीं जलेंगे जितना उसकी भाप से जल जाएंगे। तो वैसे ही आप लोग समझ सकते हैं अधिक ज्वालक कौन पैदा करता है, तो भाप के द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। ये सभी आपके सिलेबस के ही क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सबसे विशिष्ट जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा होती है सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तांबा में, सीसा में, जल में या फिर कांच में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक आपके इसमें 100 क्वेश्चन दिए हैं तो जल्दी जल्दी यहाँ पे सभी क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, मतलब 8 बजे से और 9 बजे के बीच में आपका ये क्लास रहेगा। तो आप लोग सभी लोग लास्ट तक जुड़ेंगे, ठीक है, लास्ट तक जुड़ेंगे। आप लोगों को क्लास अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और भी आपके साथ ही यहाँ पर आ सके। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका आंसर देंगे। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, इसका आंसर अभी हम पीछे बताए थे आपको, चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आप लोग आंसर देंगे। और आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी बता दें, आप लोग 1 तारीख से जो हमारा बैच शुरू हो रहा है 1 जुलाई से, वो भी फ्री बैच होगा, आपका यूट्यूब पर ही चलेगा 1 जुलाई से। तो उसमें क्या रहेगा, जो लोग रेगुलर आएंगे उनको हम लोग उसकी PDF भी प्रोवाइड करेंगे और उसमें आपको क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके कराए जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई के बैच में आप लोग उसका वेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो बैच आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। आप लोग अगर एक ही काम कर सकते हैं तब तक वेट कर सकते हैं 1 जुलाई का। ठीक है, तब तक हम ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे करवाते रहेंगे। कल आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आएंगे और उसके बाद आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन लेके आएंगे और उसके बाद आपकी 1 तारीख है ही, तो वहाँ से हमारा वो सीरीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। तो अभी 3 दिन हैं आपके, आज कल और परसों, ये 3 दिन आप लोग इसका आनंद लेंगे, ऐसे क्वेश्चन का आनंद लेंगे, और उसके बाद 1 जुलाई से आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, जो क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे बाय चांस अगर टफ लेवल आ गया तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो टफ लेवल की प्रैक्टिस करना भी आपके लिए ज़रूरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि 1 घंटे के बीच में ही हमको ये ख़त्म करनी है, इसलिए आप लोग आंसर भी देते रहेंगे। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? आज हमने जो मीटिंग आपको ली थी दिन में, उसमें हम आपको बहुत सारी जानकारी दे चुके थे कि हम आप लोगों के कमेंट नहीं लेंगे। कमेंट के लिए आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आएगी तो हम वहाँ पे आपको बता सकते हैं। ठीक है, अगले वहाँ पे हम आपको उसमें वहीं पे रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप लोग आंसर दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप लोग सही आंसर उसका जान लीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपको PDF मिल जाएगी। PDF केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो हमारे यहाँ पे अभी हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, चाहे वो गलत दे रहे हों या फिर सही दे रहे हों। सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ये सभी द्रव हैं, इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो सभी लोगों को पता होगा, पारा जो होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में, मतलब सॉलिड से आप लोग लिक्विड में जो कोई चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाष्पन, गलन, क्वथन या इनमें से कोई नहीं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है गलन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी में ही रखे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी के ही एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होते हैं। आगे से कोशिश करेंगे कि इनको इंग्लिश में भी लेकर के आएँ। तो इसका आंसर देंगे, ठोस कपूर से
कपूर बास बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोगों को इसका राइट आंसर भी पता होना चाहिए। सभी लोग आंसर देंगे, आंसर के लिए केवल आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा और 10 सेकंड में आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका। तो ठोस कपूर से कपूर बास बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सभी लोगों के लिए आंसर देना अनिवार्य है। जो लोग आंसर नहीं देंगे उन लोगों को PDF यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उन लोगों को हम लोग एबसेंट यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, इसीलिए 10 सेकंड का समय देते हैं कि 10 सेकंड में आप लोग कोई भी जो प्रेजेंट है वो इसका आंसर दे करके PDF प्रोवाइड उसको हो सकती है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से आंसर कैसे देना है? तो बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, जैसे 111 इसके आगे लिखना है, जैसे ऑप्शन नंबर ए सही है तो ऐसे लिख देंगे, जिससे कि हमें पता चल सके आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्योंकि सभी क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। 111 का भी, 112 का भी और 101 से 200 का आंसर देना अनिवार्य है यहाँ पे। तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर लिखेंगे आगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कोई भी लिक्विड है, ठीक है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने, मतलब सीधा ये लिक्विड है ये बाष्प में बदल जाए, ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे हम लोग? संघनन, हिमीकरण, बाष्पीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बाष्पीकरण। ठीक है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने को हम लोग बाष्पीकरण कह देते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मा गतिकी के आप लोगों ने नियम पढ़े होंगे, तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? संवेग, ऊर्जा, ऊर्जा और संवेग दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देते रहेंगे। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती? मतलब किसी स्थान के तापमान में अगर एकदम वृद्धि होती है तो उसकी अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या फिर स्थिर रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो उसका अपेक्षिक जो आर्द्रता होती है वो घट जाती है। ठीक है, आर्द्रता घट जाती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, अनुप्रस्थ या फिर विद्युत चुंबकीय? तो ध्वनि तरंगे सभी लोगों को पता होगी क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुप्रस्थ क्या होती है? तो ये प्रकाश की तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ क्या होती हैं? प्रकाश की तरंगें होती हैं। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, प्र यहाँ पे प्रस्थ है ना, तो यहाँ भी प्र पहले आ रहा है, तो प्रस्थ मतलब प्रकाश और दैर्ध्य आधा धा आ रहा है और यहाँ पे आधा धा आ रहा है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे किसके होती हैं? अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे होती हैं। और अनुप्रस्थ आपसे पूछ लिया जाए अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं, तो वो प्रकाश की तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ध्वनि की चाल की मतलब ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार आपके UP कैडेट में पूछा गया था। सभी लोग आंसर देंगे, 10 सेकंड का टाइम है केवल आप लोगों के लिए। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? जल में, वायु में, निर्वात में या फिर इस्पात में? ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ पे होती है? ये आप लोग सभी लोग आंसर देंगे जब क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, मतलब आप लोग नोट कर लीजिए, 115 क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में देना है। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर देना है इसका। अगर नहीं आपको आएगा तो इसका आंसर हम बता देंगे। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो बार आपके UP कैडेट में पूछा गया है, एक बार आपका ये 2018 में पूछा गया था और एक बार ये 2014 में पूछा गया था। तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण जो प्रक्रिया होती है वो आपकी ना ही प्रकाश में होती है और ना ही ध्वनि में होती है। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? मतलब इको जो प्रतिध्वनि होता है ना, इको वो किसके कारण आपकी उत्पन्न करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे, 10 सेकंड का समय है आपका।
ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। प्रतिध्वनि तो आप लोगों को पता होगा ना, प्रतिध्वनि जैसे आप लोग कहीं पे भी आवाज़ लगाते हैं अगर तेज, तो आपकी आवाज़ लौट आती है, तो उसी को हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो वो किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? रेडियो का समस्वरण स्टेशन जो होता है वो किसका उदाहरण है? अनुनाद का, अपवर्तन का, व्यतिकरण का या फिर परावर्तन का? तो इसका राइट आंसर आपका अनुनाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, उसको तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। डॉपलर प्रभाव मुर्दा प्रचलन या फिर मनोविज्ञान, ध्वनि या फिर जनसंख्या? तो 10 सेकंड आपके लिए होते हैं, 10 सेकंड में सभी लोग आंसर दे देंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगें हैं ऐसी, ऊष्मा की, ध्वनि की, प्रकाश की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्वनि जो तरंगें होती हैं वो संचरण नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती है? वायु से, निर्वात से, स्टील से या फिर जल से? इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, सभी लोग आंसर देंगे, 10 सेकंड का टाइम है केवल आप लोगों के पास। और ध्वनि नहीं गुजर सकती है, किससे नहीं गुजर सकती है ध्वनि? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्वात से। ठीक है, निर्वात से। अगला क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, सभी लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ, गोरिल्ला, बंदर या फिर चिंपैंजी? ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए पूछ ले जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए हो जाएगा। इसमें सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ। ठीक है, बाघ सबसे ज़्यादा तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा में, वायु में, जल में या फिर पारा में? ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किसमें अधिकतम होता है ध्वनि का वेग? 10 सेकंड आपके लिए हैं केवल, सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे, 45 से 50 मिनट के बीच में ये टेस्ट जो है वो ख़त्म करना है, तो जल्दी जल्दी आंसर देते रहेंगे, आपका टाइम ओवर हो गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा में। ध्वनि का जो वेग होता है वो अधिकतम कहाँ पे होता है? तो लोहा में वो अधिकतम होता है। जो लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे उन लोगों को अभी PDF इसका मिल जाएगा, और जो लोग नहीं यहाँ पे जुड़े होंगे उन लोगों को जो हमारा सुपर 20 बैच है उसमें से हटा देंगे हम लोग, इसलिए आपको डेली ऐसे ही यहाँ पे जुड़ना है। ठीक है, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? ध्वनि तरंगें जब चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, जब ध्वनि तरंगें अपने साथ क्या लेकर चलती हैं? तो ऊर्जा लेकर चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? मतलब लाल यानी रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, ठीक है, इनको किस रेशियो में मिलाएं, मतलब बराबर बराबर रेशियो में मिलाएं, तो इन सबसे मिलाने से कौन सा कलर बनेगा? मतलब रेड, लाल, हरा और नीला रंग हम एक साथ मिला दें तो कौन सा रंग बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सफ़ेद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आप लोग रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को एक फिक्स रेशियो में मिलाएंगे
तो कौन सा कलर बनेगा आपका? सफेद कलर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? आप लोगों को पता होगा ना, एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है, तो इन दोनों में ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? सभी लोग आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? यहाँ पे आपके लिए जो ये क्वेश्चन है, ये केवल लैंग्वेज इसकी टफ बना दी गई है। जो हम आपको आज क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनमें आपकी जो है लैंग्वेज थोड़ा टफ बना दी गई है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है वो आपके ही पेपर के तरह है। ठीक है, मतलब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नेत्रदान में कौन सा भाग नेत्र का दान किया जाता है, तब आप लोग सीधा सीधा बता देंगे कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया जो भाग होता है वो दान किया जाता है। तो अब ऐसे ही इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रतिरोपित किया जाता है, मतलब कौन सा भाग जो है वो प्रतिरोपित किया जाएगा, तो कॉर्निया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सभी लोग आंसर हर एक क्वेश्चन का देते रहेंगे। आप लोगों को पता है जो हमारी टीम है वो आपके आंसर देखती रहती है कि कौन स्टूडेंट आंसर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, उसी हिसाब से हम आपको PDF प्रोवाइड कर देते हैं। मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? नेत्र तारा में, रेटना से, या फिर लेंस से, या फिर कॉर्निया से? तो आप लोगों को पता होगा ना कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है आपका? रेटिना। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास और आप लोग आंसर देंगे सभी लोग। सभी लोग आंसर देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया हम लोग किसको बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, गुटेनबर्ग ने, गैलीलियो ने, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दूरबीन के आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लेवल के ही क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, हमने आपको बताया था उस दिन कि जो हमारी क्लास में लास्ट तक जुड़ जाएगा, मतलब लास्ट तक जुड़ा रहेगा, आपका जो हम पेपर, ये मॉडल पेपर वगैरह कराते हैं या फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, इसमें अगर आप लोग कोई भी जो लास्ट तक जुड़ा रहेगा वो बहुत कुछ पा जाएगा, मतलब उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पे हो जाएगा। अगर अब हम आपको क्या करेंगे, कैसे हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे? अभी हम आपको जो भी यहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं और लास्ट तक जुड़े रहेंगे, उनको हम अभी इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे और वो लोग तुरंत का तुरंत याद करेंगे। ठीक है, आज का आज ही आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि कल भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तो कल आपका कल वाला कल आप लोग याद कर लेना। ठीक है, कल वाला आप लोग कल याद कर लेंगे और आपको इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, इकट्ठा करेंगे तो आपका जो है हाल दूसरों की तरह ही हो जाएगा, आप लोगों को कुछ अलग करना है, तो आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ तो आप लोगों को कुछ अलग ही करना होगा। अलग करने के लिए आपको डेली का डेली तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपवर्तन इसका आंसर हो जाएगा। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो अपवर्तन की वजह से। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं?
साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग किसके कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन जो होता है ना, उसी के कारण जो साबुन के बुलबुले के रंग होते हैं वो चमकीले होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, इनमें से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है, नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में या फिर हरे प्रकाश में? तो सबसे ज़्यादा किसमें ऊर्जा होती है, नीले प्रकाश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा नीले प्रकाश में ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? ऑफसेट प्रिंटिंग, वोटिंग मशीन, रेलवे संकेतन या इनमें से कोई नहीं? ये CMY के का मतलब क्या है यहाँ पे, ये तो हमें भी नहीं पता है CMY के क्या है, इसको आप लोग छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि जो टाइपिंग करने वालों ने ये बना दिया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसका आंसर, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करते रहेंगे। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह या अवतल दर्पण की तरह? तो ये कैसे व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह ये वहाँ पे व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? जो प्रकाश की गति होती है वो किसके बीच से अगर जाए तो न्यूनतम हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वायु, जल, कांच या निरपात? जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कांच से अगर जाएगी प्रकाश की, तो प्रकाश की जो किरण होगी अगर कांच से पास होगी तो उसकी गति न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? ये सब आपके लाइट के चैप्टर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो NCERT के लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं ना आपके, तो वैसे ही क्वेश्चन हैं ये सब NCERT लेवल के ही। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तो उसका ताप पता चलता है हमको। ठीक है, तारे का ताप हम कैसे पता करेंगे, तो तारे का रंग देखकर हम उसका, तारे का जो ताप होता है वो हम पता कर सकते हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? चलिए, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, इसका आंसर आपके कॉमन सेंस पर निर्भर करेगा। सबसे छोटी जो होती है आपकी छाया कब होगी, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन आपकी जो दोपहर में छाया बनेगी वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीले रंग का पूरक रंग क्या है? पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो नीला इसका पूरक रंग है, ये सभी लोगों को पता था। अगला क्वेश्चन पता होना चाहिए था, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना ये किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का, प्रकीर्णन का, अपवर्तन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यतिकरण का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तरण ताल जो होता है वो वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है ऐसा? प्रकीर्णन के कारण, व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण या प्रकाश के कारण? तो ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, कहीं और दूसरे अंतरिक्ष में? ठीक है, मतलब अपने ग्रह पर नहीं, कहीं और से अगर आप लोग हमारे आकाश का रंग देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, काला, लाल, सफ़ेद या फिर नीला? तो सभी लोगों को पता होगा काला दिखाई देगा वो। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर
कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो सिलेंडरिक लेंस का। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। शायद आपके पेपर में पूछ ले, इसलिए यहाँ पे इसको करा दे रहे हैं, तो आप लोग ये नहीं कह पाएंगे कि आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन कराया नहीं था, ठीक है। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह कौन सा है? एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह कौन सा है? हरा, बैंगनी, लाल या फिर नारंगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आज आपके 50 क्वेश्चन ही करा दे रहे हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन ही करा दे रहे हैं, और 50 क्वेश्चन जो आपके बचेंगे वो किसी और दिन करा दिए जाएंगे, तो आप लोग 50 क्वेश्चन तक ही आज आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 5 क्वेश्चन और हैं और उसके बाद क्लास आपकी ख़त्म करेंगे। सभी लोग आंसर देते रहिए, जिससे आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करने में परेशानी ना हो। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C। अगला क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण होता है आपकी उच्च पारंगमता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल क्या है? जिसमें हम आपके लिए टाइम कम दे रहे हैं वो आपके लिए कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और जो 1 जुलाई से आपकी सीरीज कंटिन्यू होगी उसमें क्वेश्चन आपके लिए 100% आने लायक ही होंगे, ठीक है, जो 100% आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे, ठीक है, जो 100% आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक। और उसकी प्रैक्टिस कब से हम शुरू कर रहे हैं? तो 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से। वो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सभी हैंड रिटन वाले होंगे, क्योंकि आप जैसे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सब हमने खुद अपने नोट्स वगैरह बनाए थे, वही क्वेश्चन होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोग आंसर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक सेल, ठीक है, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोगों को नहीं पता होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन और आज का सेकेंड लास्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलती है, ठीक है। और डायनमोमीटर आपका क्या करता है? डायनमोमीटर का यूज आप लोग बताएंगे हमको कहाँ पे, तो कमेंट में, ठीक है, जब अभी आपकी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके नीचे आप लोग कमेंट करके बता देंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है, और इसमें 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आपको किसी और दिन करा दिए जाएंगे। तो आप लोगों की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वाले स्टूडेंट तक इसको शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब आपको कल, तब तक के लिए आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, या आप कहाँ पे पूछेंगे तो व्हाट्सएप वगैरह पे, अगर कोई ज़रूरी काम है तो ही पूछेंगे, लेकिन अगर कोई क्लास से रिलेटेड और कुछ भी पूछना है तो आप लोग किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, ठीक है, तो आपका रिप्लाई वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।